streaming. Yes. Good evening, everyone. Good evening. A very, very, very good evening to all of you. Yes. Good evening, everyone. बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, आई डोंट नो व्हाई. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एक बार वो ब्लूटूथ का देखें, वो तो ले रहा है. यस. Good evening, everyone. So let's get started. Today's session is going to be great. We insist you to close that door so that we can control the noise. Good evening, everyone. चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट सब लाइक कर दीजिए. और बिल्कुल आज के इस धमाकेदार सेशन को हम लोग मजे के साथ में शुरू कर रहे हैं. विद गॉड ब्लेसिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं, संडे सैटरडे स्पेशल क्लास में आज आपका थर्ड डे. एंड मैं जानता हूं आप सुपर डुपर एक्साइटेड हो कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आज आपको क्या नया सीखने वाले हो आप लोग, है ना. सो लेट मी टेल यू कि आपको जो चीज आज मैं देने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रस्ट मी, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत ज्यादा सीखेंगे. लेकिन उसका पूरा फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप सेशन को केयरफुली लर्न करेंगे. हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझेंगे. तो सेशन आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेकिन इसका पूरा फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, आप उन टिप्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उन चीजों को जिनको आपको सीखना चाहिए उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप इसका पूरा फायदा ले पाएंगे और बहुत अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे. तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है. मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास में. और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो अच्छी बात है आप उत्तर प्रदेश से हैं. अशोक कुमार जी बिल्कुल, वी वेलकम यू इन दिस क्लास. अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए मैं चाहता हूं इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फायदा लें. क्योंकि आज थर्ड डे है स्पोकन इंग्लिश का, तो थर्ड डे कुछ अलग आज होने वाला है. क्या अलग होगा वो ये बताता हूं. आज प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे शुरुआत करनी, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. दिस इज द कॉमन क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स कि सर मैं कैसे शुरुआत करूं, हाउ कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग. Sir, I know tenses. I know all the modas, Bob. I know everything. But when it comes to speak English practically, I don't know how to start, how to initiate. Today in this session, we are going to talk about how can I start speaking English? How can you start speaking English? How can we start speaking English? तो बहुत ही ज्यादा interesting session होने वाला है. जिन लोगों ने अभी like नहीं किया जल्दी से session को like कर दो फटाफट फटाफट. और इसको लगे तो अपनी stories पर, status पर, WhatsApp पर रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा community से जुड़ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, अपनी skills को improve कर सके. मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको क्या वो technique है जिससे शुरुआत करनी है. देखिए मैं टू डेज की क्लासेस में आपको दो चीजें बहुत अच्छे से करवा चुका हूं. वो अब टू भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बाद मैंने आपको टू हैव बीन पढ़ाया था, है ना. फिर मैंने आपको टू हैव पढ़ाया था और उसके बाद में टू हैव हैड पढ़ाया था. आप में से जिन भी लोगों ने वो टू डेज के सेशन अटेंड नहीं किए फर्स्ट डे सेकेंड डेज के, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. सागर सर यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उन दोनों क्लासेस को अटेंड कर लें.
उन दोनों क्लासेस को देख ले. आज थर्ड डे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू. मैं आज आपको टेंसेस के प्रैक्टिकल यूजेस बताऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू टेंसेस, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज टेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. टेंसेस तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं और टेंसेस सभी लोग सीख भी रहे हैं, बट द एग्जैक्ट वे हाउ टू यूज टेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. सो आज का जो सैटरडे सेशन है दैट गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है. इसलिए पूरे सेशन को एंड तक देखना बच्चा, बिल्कुल मजा आएगा, मेरी गारंटी है. इसके बाद में आपको याद हो तो हम लोगों ने सीखा था 12 मोडल्स. 12 मोडल्स में हमने क्या सीखा था? कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज़र्ड टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू. कैन सकता है, सकती है, कुड सकता था, विल बी एबल टू सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट ही चाहिए, अवश्य चाहिए, ऑट टू चाहिए, हैज़र्ड टू पढ़ता है या फिर कोई काम हमें करना है. तो सारी चीजों को हमने डिटेल में विद एग्जांपल्स पढ़ा था. आज मैं इन द एंड उसका रिविजन भी करवाऊंगा 10 मिनट्स के लिए, मैंने रिविजन का सेशन भी रखा है. लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो ये है कि हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसी करनी है. हाउ कैन आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन यार. तो आज के सेशन में उसी बारे में बात करूंगा. साथ ही आपको याद हो तो हम लोगों ने 2 डेज के सेशन में, फर्स्ट डे और सेकंड डे में, हम लोगों ने हमारी डेली रूटीन को बोलने की प्रैक्टिस करी थी. मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी डेली रूटीन को किस तरीके से बोलना है, और इसके लिए मैंने आपको 2 सेशंस डेली रूटीन के प्रैक्टिकली विद एग्जांपल्स बोर्ड पर बताए थे, और आपको बताया था कि कैसे आप अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छे से अच्छा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. और इस पर बेस्ड कंटेंट भी मैंने आपको यहां पर सर्व किया था. तो आप में से जो भी लोग उस कॉन्टेंट को नहीं ले पाए थे उसका स्क्रीनशॉट वो चाहे तो अभी ले सकते हैं, ताकि उनको सारी चीजें जो है अच्छे समझ में आ जाए. देखिए यहां पर ये कॉन्टेंट की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर वही कंटेंट है जिसको आप डेली रूटीन का नाम देते हैं, मतलब डेली रूटीन में प्रैक्टिकली आप जिसको यूज करते हैं. ये देखो, ये सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं. डेली रूटीन यू कैन सी. अब आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई फ्रेशन अप, देन आई बिगिन माय डे, देन आई गेट बैक टू माय बेडरूम, देन आई चेंज, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, देन आई वॉक अ लिटिल देयर, देन आई गो टू जिम फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई डू एक्सरसाइज. सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स, ऑल दिस सेंटेंसेस आर फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल टेंस. नाउ द नेक्स्ट वन दैट आई हैड गिवन यू टू प्रैक्टिस वाज दिस वन, yesterday's routine, what you did yesterday. So yesterday I woke up late in the morning at 8 o'clock, because it was Sunday yesterday and I usually wake up late on Sunday. तो यहां पर देखो, एक लड़का संडे के दिन उठा लेट, उसके संडे की जो रूटीन थी संडे, वो क्यों लेट उठा, क्या रीजन रहा, क्या कारण था, एवरीथिंग वी हैड प्रैक्टिस. ये सारा का सारा कंटेंट हमने 2 सेशंस में प्रैक्टिस किया था. वैसे आज मैं इसका रिवीजन भी करवाने वाला हूं. तो ओवरऑल जिन चीजों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल कॉन्टेंट, कि भाई लैंग्वेज को प्रैक्टिकली कैसे हमें यूज करना है, लैंग्वेज को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है, दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहां पर आप देखो ये किस तरीके का कॉन्टेंट है आपका, और ये सारा का सारा कंटेंट ऐसे ही. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल क्या करोगे, व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर टुमारो, टुमारोस प्लान, सो टुमारो आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग. जैसे मान लीजिए कल हुआ संडे, सो आप क्या कहोगे, टुमारो आई विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज टुमारो विल बी संडे, ऑन एन एवरी संडे आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई. सो आई विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग टुमारो, देन आई विल ब्रश माय टीथ, देन आई विल टेक टी एंड रीड न्यूज़पेपर, देन आई विल वॉच टीवी फॉर अ व्हाइल, एंड देन आई विल प्ले विद माय younger brother, with my younger sister, या whatever जो भी आप करोगे. And tomorrow you are not going to go to office, you are not going to go to gym or anywhere. कल कहीं नहीं जाने वाले हो आप. तो जो जो आप काम morning में कल करने वाले हो वो सारी activities को बताओ. अगर कल कहीं घूमने जाने का plan है तो उसके बारे में बताओ. So इस तरीके से तीनों activities हम लोगों को करनी थी जिस पर हमें बोलना था. तो अभी हम लोग इस पर आएंगे last में. अभी मैं आपको जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि tense का कैसे उपयोग करना, लैंग्वेज की शुरुआत बोलने की कैसी करनी है ना. तो सारी चीजों का हम लोग स्वागत करते हैं. जितने लोग भी अभी नए जुड़े हैं बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार और जानदार और अच्छा कंटेंट देने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं. मेरी गारंटी है कि आपको मजा आएगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मजे के साथ आज के सेशन को. तो हम लोग ने डिस्कस टू बी कर लिया है, टू हैव कर लिया है, टू हैव बीन हम लोगों ने कर लिया है, टू हैव हैड कर लिया है, 12 मोडल्स हमारे कंप्लीट हो गए, और 2 डेज का हमारा डेली रूटीन कंप्लीट हो गया. आज से हम लोग जिसकी शुरुआत कर रहे हैं वो टेंसेस, और मैं आपको टेंसेस बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू यूज टेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. लेट मी टेल यू अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू यूज टेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. सो द सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. I'm not going to teach you. Again, I would say, I'm not going to teach you. I'm just going to make you practice. So, practice ke session mein aapka swagat hai, jiska naam hai Dhammakedar Sunday Saturday Special Classes by Ajay Sir. Aur main Ajay Singh swagat karta hoon is Dhammakedar session mein aap sabhi ka. To jaldi se jinhon like nahi kiya, jaldi se like karke apne friend circle mein sabhi ko jod lijiye. To hum log baat karte hain tenses ki. Aapne suna hoga ki jab bhi English seekhne ki baat aati hai,
और इंग्लिश में कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एक चीज जो आपसे बोली जाती है टेंस। कभी सुना है कि टेंस ही क्यों, व्हाई टेंस, व्हाई वी हैव टू लर्न टेंस, व्हाट इज द रीजन टू लर्न टेंस, और टेंस ही क्यों, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि टेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीन ही क्यों होते हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। एंड द रीजन इज दैट कि आप जितना भी कॉन्वर्सेशन करते हो, जितनी भी बातचीत करते हो, आपका सारा का सारा कॉन्टेंट जो होता है, दिस गोज इन टू दिस थ्री टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप जो भी कहेंगे ना स्टूडेंट्स, वो या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में, इससे बाहर नहीं होगा। मतलब आपका एंटायर कॉन्वर्सेशन जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली बेस्ड होता है किस पर, इन तीन टेंस के ऊपर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीन टेंस को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मतलब इंग्लिश आ गई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट रिमेंबर वन थिंग, इन तीन टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, अलग अलग इंडिविजुअल हेल्पिंग वर्ब। प्रीवियस सेशंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के क्या यूजेस है, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हमने सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है, समझा है, और उसके प्रैक्टिकल यूज को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई ये तीन इसकी क्या हो गई, अलग अलग कैटेगरीज हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस वी हैव फोर मोर कैटेगरीज, जिसमें पहली है सिंपल, दूसरी है आपकी कॉन्टिन्यूस, तीसरी है आपकी परफेक्ट, एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो वी हैव मेनली फोर कैटेगरीज, यू कैन सी। नाउ द फर्स्ट वी हैव सिंपल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेफिनाइट, इसको हम इंडेफिनाइट भी कहते हैं। सिंपल, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंडेफिनाइट, आपको याद रखना है। तो पहली कैटेगरी सिंपल, दैट इज कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 12 टेंस के नाम याद नहीं होते, आज याद हो जाएंगे विद दिस फिंगर टेक्निक। ये एक यूएसपी है पर्सनल इंस्टीट्यूट की, वी हैव गॉट सम टेक्निक्स टू मेक द पीपल थिंग्स लर्न, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी चीज को लाइफ टाइम लर्न कर सकते हो। अब देखो ये फिंगर टेक्निक एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। इस फिंगर टेक्निक के लिए आपको चार फिंगर अपनी निकालनी है बाहर, आई होप आप सभी ने इस तरीके से चार फिंगर कर लीजिए आप लोग सभी। इन चार फिंगर में इस फिंगर को नाम दीजिए आप सिंपल, दिस स्मॉल वन दैट यू हैव टू से, इसको नाम आपको क्या देना है, इसको नाम देना है आपको सिंपल, इस फिंगर को नाम देना है आपको कॉन्टिन्यूस, इस फिंगर को नाम देना है आपको परफेक्ट, एंड दिस इंडेक्स, इसको नाम देना है आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां पर इन चारों फिंगर को चार इंडिविजुअल नाम दे दीजिए आप। पहला नाम आपने इसको क्या दिया है, सिंपल, दूसरा नाम आपने इसको दिया कॉन्टिन्यूस, तीसरा नाम आपने इसको दिया परफेक्ट, और चौथा नाम आपने चौथी फिंगर को जो इंडेक्स इसको दिया है, यह है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने चारों फिंगर को चार नाम दे दिए। अब आप देख सकते हैं इन चारों फिंगर में तीन अलग अलग ब्लॉक होंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब अलग अलग फिंगर्स में चार अलग अलग ब्लॉक है। इन ब्लॉक को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब आपके जो फिंगर है इन फिंगर में आपको ऊपर वाले ब्लॉक का नाम देना है प्रेजेंट, बीच वाले को नाम देना है पास्ट, और तीसरे वाले को देना है फ्यूचर। इस तरीके से आप पूरे के पूरे 12 टेंस को फिंगर पर लर्न कर सकते हैं। देखो कैसे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये सिंपल है इसलिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये कॉन्टिन्यूस है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और ये जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो दिस इज द वे टू लर्न ऑल द 12 टेंसेस। एंड लेट मी टेल यू, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आप पूरे के पूरे 12 टेंस को आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो टेंस के नाम जब बोलते हैं ना तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो इस टेक्निक से आप पूरे टेंसेस के पूरे नाम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब आपको यहां पर मैंने लिखा सिंपल टेंस, सबसे पहला हाउ टू यूज सिंपल टेंस इन स्पोकन इंग्लिश दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। सो आपको याद हो तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जो एक्टिविटीज आप करते हो ना सुबह से शाम तक, वो सारी के सारी आपकी एक्टिविटीज प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। व्हाट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, सुबह से शाम तक आप बताइए क्या करते हैं। आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ, इंग्लिश सीखता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ, मतलब जो भी एक्शंस आप कर रहे हो, जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जो भी एक्शन आप कर रहे हो, एक्शंस तो आप समझती हूँ, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, देखना घूरना, समझना, ये सारी आपकी क्या है, एक्शंस है। इन एक्शंस को जब आप परफॉर्म करवाते हो, आपने जो भी एक्शन की, ध्यान दीजिए, आपने जो भी एक्शन की, V1, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करते हो, कमॉन, जो भी काम आप करते हो, जो भी काम आपने किया एंड जो भी काम आप करोगे,
ये हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आपको जो है पूरे के पूरे 12 टेंस प्रिपेयर करना है, और वो भी इस टेक्निक से। तो टेक्निक का नाम आप देख लो, सबसे पहले ये मैंने यहां पर प्रेजेंट लिख दिया। इस प्रेजेंट को सिंपल के साथ पास्ट को भी और फ्यूचर को भी, तीनों को जोड़ दो। सिंपल के कितने? तीन टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के तीन टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के तीन टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, टोटल कितने टेंस? 12 टेंस। लेकिन 12 टेंस के नाम याद करने से क्या लैंग्वेज आ जाएगी? ठीक है, आपको 12 टेंस के नाम याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपको 12 टेंस के नाम याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी मेरे दोस्त। आपको इंग्लिश तब आएगी जब आप इनका प्रैक्टिकल उपयोग समझोगे, जब आप इनको प्रैक्टिकली समझोगे। तो यहां पर आप लोग देखें, सबसे पहले मैं आपको जिस बारे में बात कर रहा हूं वो है आपका सिंपल। अब सिंपल टेंस तीन कैटेगरीज में हो गए, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल और तीसरा फ्यूचर सिंपल। अब ये तीन टेंस आपके हो गए, जिसमें पहला है प्रेजेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका सिंपल पास्ट। और अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वैसे ही आपको चलना है। इसमें शैल भी यूज होता है, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में वी डोंट यूज शैल। इसमें जो भी एक्शंस आप करते हो, इसमें जो भी एक्शन आपने किया या आप करते थे, ठीक है, और इसमें जो भी एक्शन आप करोगे, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जो भी एक्शन आप करोगे, जैसे देखो मैंने कहा भाई आपसे क्या क्या करते हो आप बताओ, तो आपने कहा मैं ना मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझ लो। आई का, ही का, शी का, इट का, यू, वी, दे, और भी जो अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में वो जो जो एक्शंस करते हैं वो सब कुछ बोलना है। मतलब आपको आई के 10 सेंटेंस बोलना है, आपको ही के 10 सेंटेंस बोलना है, आपको शी के 10 सेंटेंस बोलना है, आपको इट के भी 10 सेंटेंस बोलना है। बताऊंगा कैसे, यू के 10, वी के 10 और दे के 10। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट पढ़ लेता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो उसके सेंटेंस नहीं बनाता, और इसी वजह से जो चीज उसने पढ़ी है, जो चीज उसको आती है, उसको वो प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाता है। सो लेट मी टेल यू, आप लैंग्वेज में इन चीजों को प्रैक्टिकली तब यूज कर पाओगे जब आप इनके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओ। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, सबसे पहले आई के सेंटेंस बनाओ। तो आई के साथ आपको क्या यूज करना, मैं यहां लिख देता हूं। V1 कहां लगाना, V5 कहां लगाना। V1 जितने भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है उनके सबके साथ में V5 लगाना, सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और कोई भी नेम। ये आपके सिंगुलर थर्ड पर्सन है। बाकी जितने भी आपके हैं, सॉरी, बाकी जितने भी आपके हैं, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, और भी जो अदर सब्जेक्ट्स है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके, वो क्या होंगे आपके, उनके सबके साथ आपको V1 लगाना है। अब आप आई की बात कर रहे हो तो आई के साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं जाता हूं, आई गो, मैं आता हूं, आई कम, मैं स्टेज पर आता हूं, आई कम ऑन द स्टेज, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं आपकी मदद करता हूं। अब मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश करना है, मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। आप इंग्लिश सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश। अब मैं सॉरी, मैं यू पर आ गया, मुझे आई के बोलना है, सॉरी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं कंप्यूटर यूज करता हूं, आई यूज कंप्यूटर, या आई ऑपरेट कंप्यूटर, जो भी आप बोलना चाहें। मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूं, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर। मैं आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट योर फ्यूचर। सो दिस इज द टेक्निक टू स्पीक। ये तरीका है बोलने का। यस सागर सर, उसके डिस्प्ले को थोड़ा सा मूव कर दीजिए। तो जो भी काम अब आई के साथ आपने बनाया, वो सारे के सारी सिचुएशन आई के साथ आपने बोल दी। अब जब आई के साथ आपको सिचुएशन बोलने आने लग गए, जब आप आई के साथ उस सिचुएशन को बोलने लग गए कॉन्फिडेंटली, आपको लगने लग गया कि भाई आई का यूज तो हो गया क्लियर, तो तुरंत जंप कर जाओ किस पर, सेकंड यूज पर, जो है यू का। अब मैंने कहा आपसे कि सामने वाला सेकंड पर्सन क्या क्या करता, तो आपने कहा अब मैं आपसे मेरे बारे में पूछता हूं, चलो आप मेरे बारे में बताओ, तो आप क्या लिखोगे? यू टीचर्स, यू वर्क हार्ड, यू टीच इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड अस, यू टीच अस ऑन एवरी सैटरडे, यू टीच अस ऑन एवरी संडे, यू गो देयर, यू कम हियर, यू स्पीक इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। जो भी आप मेरे बारे में यू करके बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, जो जो काम मैं करता हूं तो आप मुझे यू कहेंगे। इसलिए ऐसे ही फिर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ आपका भाई के नाम रोहन है और रोहन सुबह से शाम तक क्या करता है, तो आप कहोगे माई ब्रदर नेम इज रोहन, ही गोज टू कॉलेज, ही स्टडीज,
ही फाइट्स विथ मी समटाइम्स, ही क्राइज, ही लाफ्स एट मी, ओके, ही फाइट्स विथ मी, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही हेल्प्स मी, यू नो, वो जो जो करता है वो सब कुछ आप बता दो. फिर ऐसे ही मान लो गीता आपकी सिस्टर है. अब मैंने आपसे पूछा कि चलो गीता आपकी जो सिस्टर है वो क्या करती है सुबह शाम तक, तो आपने कहा माई सिस्टर नेम इज गीता, शी फाइट्स विथ मी. ये तो बोलना ही पड़ेगा आपको, अगर ब्रदर एंड सिस्टर है तो फाइट तो करते ही होंगे, दैट्स व्हाई. शी फाइट्स विथ मी, शी क्वारल्स, क्वारल्स एंड फाइट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो शी क्वारल्स विथ मी, शी फाइट्स विथ मी, जो भी आप लिखना चाहो. शी गोज टू कॉलेज, शी गोज टू स्कूल, शी हेल्प्स माई मदर इन किचन, शी हेल्प्स मी समटाइम्स इन माई होमवर्क, यू नो. तो इस तरीके से जो जो वो करती है वो सब कुछ बताओ, ठीक है. शी मेक्स हर करियर, शी मेक्स चपाती, शी कुक्स फूड, शी गोज टू टेरिस, शी प्लेज हॉकी, शी प्लेज क्रिकेट. वो जो जो एक्शंस कर रही है वो सारी एक्शंस शी के बारे में आपको पूरी बतानी है. फिर ऐसे ही इट के बारे में बताओ, जैसे बारिश होती है, इट रेन्स. इट एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां इट लग जाता है. जैसे बारिश होती है तो बारिश होना वर्ब है अपने आपने, तो क्या लगा दोगे, इट रेन्स, है ना. तो इस तरीके से इट के ऐसा होता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस, ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपेंस समटाइम्स. तो ऐसे इट के कुछ गिने चुने यूजर्स, बाकी इट के बहुत कम यूज है. और इट आपका एनिमल्स के लिए जो यूज होने वाला प्रोनाउन है वो भी होता है. जैसे मैंने कहा कि चलो आपके घर में एक पैट डॉग है और वो क्या क्या करता है बताओ, तो भाई जनरली पैट डॉग के लिए तो ही शी आजकल यूज होने लग गया है, लेकिन अगर हम उनको इट मान के चले तो आप ये बोल सकते हो कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, इट वेक्स अप इन द मॉर्निंग, यू नो, वो पूरे घर में घूमता है, इट वॉन्डर्स इन एंटायर हाउस, यू नो, फ्रॉम हियर टू देयर. सो इस तरीके से आप इट को यूज करेंगे. यू का यूज आप कब करेंगे, यू तो मैं बता ही चुका हूं, वी, वी मतलब होता है हम क्या क्या काम करते हैं सुबह से शाम तक. जो जो काम हम सुबह से शाम तक करते हैं वो सारे के सारे आपको बोलने हैं. जैसे आपने कहा हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी, हम वहां जाते हैं, वी गो देयर, हम यहाँ आते हैं, वी कम हियर, हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, हम बोलते हैं, वी स्पीक, हम इंग्लिश सीखते हैं पर्सोना इंस्टीट्यूट से, वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, हम कुछ नया करते हैं, वी डू समथिंग न्यू, हम पढ़ाते हैं, वी टीच, हम वहां जाते हैं, वी गो देयर, हम यहाँ आते हैं, वी कम हियर. सो हम जो जो करते हैं वो सारी सिचुएशंस आपकी इसी में आ रही है. इन शॉर्ट आपको यह समझना होगा कि भाई आई, ही, शी, इट, यू, वी और दे कौन. मान लो आपके दो भाई हैं, रोहन और सोहन, अब आपको उनके बारे में बताना कि वे दोनों क्या करता है, और ट्विन्स है मान लो. सो आप कहेंगे सर दे वेक अप इन द मॉर्निंग, देन दे गेट रेडी टू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल एट 8 o'clock अराउंड, देन दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 12:30 o'clock, देन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल दे स्टार्ट फाइटिंग विथ मी. वाओ, सो दे स्टार्ट फाइटिंग विथ मी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. स्कूल से आने के बाद में राइट वो मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. दे प्रैक्टिस इंग्लिश, वो इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं. दे गो देयर, वो वहां जाते हैं. दे कम हियर, वो यहां आते हैं. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. जो आप इस तरीके से चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जो आप इस तरीके से चीजों को समझते हैं, देन थिंग्स बिकम इजी टू लर्न. तो चीजें बहुत ज्यादा आसान और इजी हो जाती लर्न करना. एंड दिस इज समथिंग मिरेकल, यू नो, कि आपको खुद को पता नहीं चलता है, आप वो चीजें सीख जाते हो, आपको खुद को यकीन नहीं होता, वो चीजें करने लग जाते हो. एंड दैट इज द मिरेकल ऑफ लर्निंग, डियर स्टूडेंट्स. इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे सारे सब्जेक्ट के साथ में इस टेंस में प्रैक्टिस करनी है. मैं तरीका आपको बता दिया. अब ऐसे तुरंत जंप करते हैं कि आपने इसको कहां यूज करना है सिंपल पास्ट में. पूरे 12 टेंस के प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि हेल्पिंग आपको कैसे यूज करना है. जैसे एक मैंने अक्सर कमेंट करता है ना स्टूडेंट की, सर मैं है ना सही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर पाता हूँ, सही तरीके समझ नहीं पाता हूँ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब मुझे कहाँ लगानी है, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, सर प्लीज मुझे बताओ, कुछ नया ट्रिक बताओ. तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि सही हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ पर और कैसे लगानी है. तो अब मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या क्या किया बताओ, तो आप बोलोगे पहले ऐसे बोलेंगे मैं सुबह जल्दी उठा. तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिखाना, और मुझे ऐसा लगता है शायद दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट कैन एक्चुअली गिव यू प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ये देखो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का पूरा कॉन्टेंट जो है लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि दिस कॉन्टेंट इज कंप्लीटली ऑथेंटिक दैट विल ट्रूली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. और जितनी भी स्टोरी टेलिंग आप करते हो ना, वो सब सारी की सारी स्टोरी टेलिंग आपको दिमाग में फिट करना है इसी टेंस में होती है, सिंपल पास्ट टेंस में. अब यहां पर एक लड़का है जो 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 एक्शंस कर रहा है, जो जो एक्टिविटीज कर रहा है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप देख सकते हो यहां पर ऑन द डिस्प्ले वी हैव गिवन यू, कि भाई यस्टरडे, कल,
आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग. यहां पर आप देखो सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. आपने क्या यूज किया, सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म. यस्टरडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. कल मैं लेट उठा 8 o'clock को. याद रखना पूरे 50 सेशन है यूट्यूब पर, आज तीसरा दिन है. जो भी स्टूडेंट पूरे 50 सेशन अटेंड करेगा उसी को पूरा फायदा होगा. आज तीसरा सेशन है. जिन्होंने फर्स्ट डे और सेकंड डे के सेशन अटेंड नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. जो लोग भी नए इस संडे सैटरडे जुड़े हैं, आपको बता दूं संडे और सैटरडे वीकेंड में 2 क्लासेस होती है. और अभी तो मैं एक नया ऑफर अनाउंस करने वाला हूं आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है भाई, राइट. तो बने रहे आप लोग, बताने वाला हूं. जस्ट यस्टरडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. कल मैं 8 o'clock को लेट उठा. बिकॉज क्योंकि इट वॉज संडे यस्टरडे, क्योंकि कल रविवार था. एंड आई यूजली वेक अप लेट ऑन संडे, और मैं अक्सर संडे को लेट उठता हूं, इसलिए मैं लेट उठा. ये स्टेटमेंट हो गया. आगे देन आई ड्रिंक वाटर, फिर मैंने पानी पिया. देखो फिर मैंने पानी पिया, तो ड्रिंक मतलब होता है पीना. ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट ड्रिंक, और यहां पर आपको वही सेकंड फॉर्म ड्रिंक लिखी हुई. देन आई ड्रिंक, फिर मैंने पानी पिया. देन आई गॉट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश हुआ. देन आई ब्रश्ड माई टीथ, फिर मैंने अपने दांतों को ब्रश किया. एंड वॉश्ड माई फेस. ये देखो एंड के बाद में आपने यही पर डायरेक्ट वी टू लगाया. यहां पर आई के बाद आपने ब्रश लिखा, इसलिए एंड के जस्ट बाद आपने क्या अप्लाई किया, वॉश्ड. देन आई वॉश्ड माय फेस, फिर मैंने अपने चेहरे को धोया. देन माय मदर कॉल्ड मी फॉर टेकिंग टी, फिर मेरी मम्मा ने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया. देन आई टेक टी, फिर मैंने चाय पी. देन माय मदर ऑर्डर्ड मी टू गो टू मार्केट फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, फिर मेरी मम्मा ने मुझे ऑर्डर दिया, आदेश दिया मार्केट जाने के लिए, क्योंकि भाई वहां से लानी है मुझे सब्जियां. So here you can see students what I'm talking about. I'm talking about simple past tense. The activities that I did yesterday, the activities that I performed yesterday, the activities that you did yesterday, the activities that he did yesterday, the activities that she did yesterday. वो सारी एक्टिविटीज जो मैंने कल की, जो आपने कल की, जो उसने कल की, वो सब हमको अपने शब्दों में बोलना है. And that practice is called true practice session. अपने ब्रेन को पूरी तरह से प्रिपेयर किया. अब मैं बोलने वाला हूं मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूं. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माय टीथ, आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस. रटना नहीं है इसको, रटना नहीं है. बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि मैं डेली रूटीन को रट लूंगा तो अच्छे से अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा. जी नहीं, आपका बोलते वक्त आपके ब्रेन में आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बीच में बैलेंस करना सीखना. जो काम आपने कल किया, तो कल क्या था, सैटरडे था. कल आपका फ्राइडे था. कल फ्राइडे आपने क्या किया ये बताओ. तो आपने कहा कि सर कल है ना फ्राइडे था, तो कल मैंने ये काम किया, कल मैं वहां गया, कल मैंने इंग्लिश सीखी, कल मैंने ये बनाया, कल मैंने ना क्लास अटेंड करी लाइव, या जो भी काम आपने किया, व्हाट एवर यू डिड यस्टरडे, वो सारी सिचुएशंस आपकी जो है सिंपल पास्ट टेंस में जाएगी. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आप क्या करोगे, व्हाट इज योर प्लानिंग फॉर टुमारो, देन अब आप चले जाओगे फ्यूचर सिंपल में कि टुमारो आई विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, देन आई विल ब्रश माय टीथ, देन आई विल गो टू ऑफिस, देन आई विल डू दिस एंड दैट वर्क. जो भी काम कल आप करोगे, in short you have to understand how to balance among present past and future, and once you understand this technique you can speak anything. to main hindi mein sentence bolunga, aapko english mein karna hai. main english padhaunga, come on, ye aap pad lijiyega, iske screenshot lage to aap log le le, theek hai na. aur वैसे तो ये content अभी हम लोग आपको telegram group में भी send करवा देंगे. जितने भी other students जो है जो telegram group से नहीं जुड़े हैं, description में link दिया हुआ है telegram group का, वहां से उसको जुड़ जाए, ठीक है. टेलीग्राम से आप लोग काफी ज्यादा अप टू द मार्क, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, सारी चीजें आपको समझ में आएगी और नोट्स काफी सारा उसमें मिल जाता है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं कर पाता, भले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया. तो आप टेलीग्राम में अगर जुड़ जाते हैं तो आप लोग अपडेट आपको मिलते रहता है कि भाई यूट्यूब पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है परसोना ब्लॉग. आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, लेकिन उस पर भी बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है. जितने भी क्लास रिकॉर्डेड सेशंस है वो सारे के सारे पर्सोना ब्लॉग पर अवेलेबल है. तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने वो चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप चाहे तो उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा वहां पर. देखिए यहां पर यूट्यूब पर आपको सर्च करना होगा पर्सोना ब्लॉग. जैसे ये यूट्यूब चैनल है, यहां पर आपको सर्च करना है PERSONA. चूंकि पर्सोना वी से काफी ज्यादा चैनल थे, इसलिए हमने उसको वी का नाम ने बी फॉर बॉल वाला दिया है, पर्सोना ब्लॉग. दैट इज पोस्ट गॉड, हमने उसको पर्सनल ब्लॉग कर दिया, तो पर्सनल ब्लॉग में चला गया है उसको. यहां पर हमें जो है ये नहीं देना है,
अब ठीक है, वो परसोना ब्लॉग राइट, इस नाम से आपको चैनल मिलेगा, ये सबसे ऊपर ही आ गया। देखिए दिस इज द यूट्यूब चैनल, कुछ 75 वीडियोस हम लोगों ने इस पे अपलोड किए हैं। तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस पर बेस्ड क्लास रिकॉर्डेड सेशंस काफी सारे मिलेंगे, मतलब सारा का सारा कंटेंट जितना भी हो पूरा प्रैक्टिस सेशन और क्लास रिकॉर्डेड सेशंस है। ठीक है, ये न्यू यूट्यूब चैनल है हमारा, तो इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इस पर भी काफी सारा कॉन्टेंट है। ठीक है ना, चलो अभी आप लोग इधर ध्यान दो नाउ तो मैं इस बारे में बात कर रहा था कि इनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अगेन आपको एक बार फिर से सारी चीजें करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपको ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेंटेंसेस और आपको करने इंग्लिश में आंसर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। आपने आई विल क्यों कहा? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दैट इज व्हाई। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आप यहां आओगे, यू विल कम हियर। आपने इंग्लिश सीखी, आप भाई सीखी सिंपल पास्ट टेंस, मतलब जो काम आपने किया। यू लर्नड इंग्लिश, आपने इंग्लिश सीखी, ये देखो आर एन है ये, है ना, यू लर्नड इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोली। यू स्पोक इंग्लिश, आपने इंग्लिश पढ़ाई। यू टॉट इंग्लिश, ठीक है, आपने इंग्लिश समझाई। यू एक्सप्लेन इंग्लिश, तो एक्सप्लेन, टॉट, स्पोक, लर्नड, ऑल दीज वर्ब्स आर एक्चुअली फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस, वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। मैं वहां जाता हूं, अब जाता हूं मतलब कौन सा टेंस, आई गो देयर, I go there, मैं समझता हूं, I understand, मैं बोलता हूं, I speak, मैं सभी की मदद करता हूं, I help all, मैं आप सभी की मदद करता हूं, I help all of you, और आप में से प्रत्येक की मदद करता हूं, I help each of you। आप इंग्लिश सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश, आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, आप स्टेज पर आते हैं, यू कम ऑन द स्टेज, आप वहां जाते हैं, यू गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट, और जब ऐसे प्रैक्टिस होगी तो आपको मजा आएगा सीखने में। चलो मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, और आज पूरे 12 टेंस हमें प्रैक्टिस करना है। तो अगला मैं आपको लेकर आ रहा हूं कॉन्टिन्यूस टेंस पर। अब कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता होना चाहिए कहां यूज होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में जो स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट में वॉज एंड वर होती है, एंड फ्यूचर में विल बी शैल बी होती है। इसके बाद इसमें आपको वर्ब में लगाना होता है आई एन जी, राइट। सबसे सरल टेंस अगर कोई सा है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें सिंपली आपको वर्ब में क्या लगाना होता है, आईएनजी। मैंने कहा वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जाता है, ही गोज, वो जा सकता है, ही कैन गो, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, सॉरी, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे जाने की जरूरत है, ही नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन उन्होंने लाइक नहीं किया, फटाफट जल्दी से लाइक कर दो। चलिए, तो जो भी काम हो रहा है, राइट, पास्ट में जो भी काम हो रहा था और फ्यूचर में जो भी काम हो रहा होगा, भाई सबसे सरल टेंस है यार, दिस इज द व्हाट आई कैन से मोस्ट सिंपल टेंस, सिंपलेस्ट टेंस दैट वी कैन से। मैंने कहा कि भाई वह स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, और वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, दैट्स अ वे टू प्रैक्टिस। और इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है परफेक्ट टेंस की ओर, और परफेक्ट टेंस अगर आपको आ जाता है तो इसके बाद में अगला टेंस आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि बहुत ही आसान है। तो भाई मैं बात कर रहा हूं लास्ट के तीन छह टेंस की, जो कि बहुत ही सरल है। इन सब में आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर लगाना होता हैज हैव, यहां पर भी लगाना होता है हैड, और यहां पर लगाना होता है विल हैव, राइट। ये परफेक्ट की निशानी है भाई, परफेक्ट मतलब हैज हैव, हैड और विल हैव, ये चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, परफेक्ट मतलब हैज हैव, हैड और विल हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आप आओगे भाई, तो याद रखना इसमें कोई काम एक समय से हो रहा है,
जिसे सर मैं आपके सेशन 2 महीने से देख रहा हूं, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 2 मंथ, कमेंट करके लिखो आप कब से मेरे सेशंस देख रहे हो, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 2 मंथ, किसी का सर मैं 10 दिन से देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 10 डेज, सेंस और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, कब से देख रहे हो आप मेरे सेशन बताओ जल्दी कमेंट करके फटाफट फटाफट, राइट। सो आई हैव बीन, वर्ब में क्या लगाओगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पास्ट में लिखोगे हैड बीन, कम ऑन, और फ्यूचर में लिखोगे विल हैव बीन, कम ऑन, फ्यूचर में क्या लिखना होगा आपको, विल हैव बीन, वर्ब में लगाओगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां भी लगाओगे वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आपको यूज करना होगा सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, यहां भी यूज करना होगा सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, यहां भी यूज करना होगा सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, इसके बाद v3 यहां भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके साथ भी सिंस 4 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आपने कहा मैं यहां सुबह से हूं तो वो भी इसी में बनता है, आई हैव बीन हियर, बी की थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, बीन, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, जो आपने टू बी में पढ़ा ना टू हैव बीन, वो इसी का है, टू हैव बीन मतलब आपका परफेक्ट ही है वो, राइट। मैंने कहा मैं बिजी हूं तो आई एम बिजी, मैं 2 दिन से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 डेज, ये बीन क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, एंड दैट इज वाई हम लोगों को ये लिखना पड़ रहा है, चलिए दैट्स गुड। आई एम वॉचिंग योर सेशन, देखो कुछ लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग नहीं होगा, राहुल देशमुख, राहुल देशमुख जी आपका कमेंट आपको करेक्ट करना है, आपको लिखना होगा आई एम वॉचिंग योर सेशन फॉर 2 मंथ फॉर 2 डेज, और ये एक और है अभी इन्होंने भी गलत कमेंट लिखा है, अशोक कुमार जी आई एम वॉचिंग नहीं होगा, आई हैव बीन वॉचिंग होगा, ठीक है, जब कोई काम, यही तो डिफरेंस है, देखो ना इधर आप, मैं देख रहा हूं आपका सेशन तो आई एम वॉचिंग योर सेशन, लेकिन जब आप कहोगे मैं आपका सेशन 2 महीने से देख रहा हूं, मतलब किसी समय से आप किसी काम को कर रहे हो, या किसी समय से आप किसी काम को करते आ रहे हो, तो अब आपको बोलना होगा आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 2 मंथ, या लास्ट में देखो लिखा है सिंस और फॉर लिखा है, अब सिंस कहां लगाना होता है पता है आपको, सिंस और फॉर के बीच में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, सिंस लगता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, जी हां पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आपको फोर लगता है, देखो पहचानने के ट्रिक बताता हूं शानदार, यू समझ जाओगे, नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, सी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है आपका सेकंड, सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है आर, आर से बड़ा होता है डे, डे से बड़ा होता है वीक, वीक से बड़ा होता है मंथ, मंथ से बड़ा होता है ईयर, और ईयर से बड़ा होता है डिकेड, और डिकेड से बड़ा होता है सेंचुरी। तो अब आप देखो यहां पर फ्रॉम सेकंड टू सेंचुरी सबके साथ आपको क्या यूज करना है, फोर। मैंने कहा भाई 10 दिन से मैं आपका सेशन देख रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 10 डेज। लेकिन जब आप कहोगे सर मैं आपका सेशन 2020 से देख रहा हूं, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन सिंस 2020, तो 2020, 2002 जितने भी इयर्स आते हैं ये सब आपके सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे सर मैं आपका सेशन सुबह से देख रहा हूं सिंस मॉर्निंग, शाम से देख रहा हूं सिंस इवनिंग, 2 बजे से देख रहा हूं सिंस 2 o'clock, संडे से देख रहा हूं सिंस संडे, मंडे से देख रहा हूं सिंस मंडे, जनवरी से देख रहा हूं, अप्रैल से देख रहा हूं, तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, एंड आई थिंक यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंस एंड हाउ टू यूज फॉर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्यादा से ज्यादा बोलना, बिकॉज द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट टू लर्न द इंग्लिश, और ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसकी नैया पार हो गई, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बोलना है यार, ज्यादा से ज्यादा बोलना। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको बोलना होगा आई हैव बीन, आई के साथ लगता हैव, और ही शी इट नेम के साथ लगता हैज। सो मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज। अब आपको करनी है इसकी जानदार शानदार धमाकेदार प्रैक्टिस। मैंने कहा ना धमाकेदार जो प्रैक्टिस करेगा वो धूम मचा देगा। देखो किसी एक और स्टूडेंट ने गलत यहां पर कमेंट अभी लिखा है कि सर आई एम वॉचिंग लिखा है किसी ने, अभी जस्ट देखा था मैंने,
नहीं 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 यार, अब तो सभी सही लिख रहे हैं. वेरी गुड यार, सभी सही लिख रहे हैं. मुझे ऐसा लगा किसी लिखा, लेकिन नहीं लिखा. दिस इज अप्रिशिएटिंग दैट दिस टाइम नोबडी इज राइटिंग रॉन्ग. मीन्स सब लोग समझ गए, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. सभी समझ गए, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग. सर समझ गए, जब कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जब कोई काम एक समय से हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सर ये तो आ गया सर, सीख गए सर, समझ में आ गया सर. थैंक यू सर. थैंक यू मुझे मत बोलो दोस्त, आपकी मेहनत को कर बोलो, क्योंकि आप सुन रहे हो ध्यान से. चलो अभी मैं आपको यहां पर अगेन लेकर आया हूं, समझा रहा हूं फिर से, सारी की सारी चीजों का रिवीजन करवा रहा हूं. पूरा अटेंशन मुझे आपका चाहिएगा होगा इसके लिए, और मैं चाहता हूं आप लोग पूरा ध्यान से हर एक चीज को सीखेंगे. चलो वेरी गुड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट. बनी मानो आपका कमेंट गलत है, बनी मानो आप अपने कमेंट को सही करो. आई एम लर्निंग नहीं आएगा, आई हैव बीन लर्निंग आएगा. चलो अब आप एक सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस आपने लिया, मान लीजिए एक सेंटेंस, सरल से सरल सेंटेंस लिखो. मैं आपके वीडियो देखता हूं, आई वॉच योर वीडियोज मैंने आपके वीडियोज देखे, आई वॉच योर वीडियोज. मैं आपके वीडियोज देखूंगा, आई विल वॉच योर वीडियोज. मैं आपके वीडियोज देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज. मैं आपके वीडियोज देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग योर वीडियोज. मैं आपके वीडियोज देख रहा हूंगा, आई विल बी वॉचिंग योर वीडियोज. मैंने आपके सारे वीडियोज देखे हैं. मान लीजिए आपको कमेंट करना हो कि मैंने आपके सारे वीडियोज देखे हैं या देख चुका हूं, मतलब वो काम आपने कर लिया है. परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है. मैं आपके सारे वीडियोज देख चुका हूं सर, आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोज. मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश. अगर सच में सीख गया तो कमेंट करके लिखो, सर आफ्टर ज्वाइनिंग योर कोर्स आई हैव लर्नड इंग्लिश. सर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज आई हैव लर्नड इंग्लिश. कमेंट करके लिखो, आई एम रीडिंग योर कमेंट. यस यस यस, आई एम रीडिंग योर कमेंट. एवरीवन आपको कमेंट में लिखना है कि आई हैव लर्नड इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज. आपके वीडियोज देखने के बाद मैं इंग्लिश सीख गया हूं. सो मैं आपके सारे वीडियोज देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड All of your videos. मैं videos देख चुका था, I had watched videos. मैं आपके साथ मैं videos देख चुका हूँगा, I will have watched videos. मैं दो दिन से आपके YouTube videos देख रहा हूँ, I've been watching your YouTube videos for 2 days. सर आई हैव वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज फॉर 2 days. मैं आपके यूट्यूब वीडियोज 2 दिन से देख रहा हूं, मैं आपके यूट्यूब वीडियोज 2 दिन से देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज फॉर 2 days. एंड मैं आपके यूट्यूब वीडियोज 2 दिन से देख रहा हूंगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज फॉर 2 days. सो दिस इज द टेक्निक टू लर्न. ये तरीके से सीखना है और ऐसे इसको प्रैक्टिस करना है, राइट. अब ये आपने कर लिया, इसके बाद क्या करना है पता है? इसके बाद ये सब अफर्मेटिव था, फिर इनको क्या करना होता है? नेगेटिव. फिर इनको क्या करना होता है? इंटरगेटिव. इंटरगेटिव कौन सा? जिसकी शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? हेल्पिंग वर्ब से, राइट. फिर इनको करना होता है हमें WH में, राइट. तो इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव, ये सेंटेंसेस हमको बनाने की फिर प्रैक्टिस करनी होती है. अब कैसे करते हैं इस प्रैक्टिस को? इधर आओ. सबसे पहले बात करते हैं सिंपल. सिंपल में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की. अभी तीनों की बात नहीं करते, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं. प्रेजेंट सिंपल में ये रहा स्ट्रक्चर, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. भाई जब आप इसको नेगेटिव करते हैं, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है डू नॉट डज नॉट, इसको शॉर्ट में कहते हैं डोंट डजंट. इसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच इंग्लिश. I don't teach English. Ravi आता है, Ravi comes here. Ravi या नहीं आता, Ravi does not come here. मैं समझता हूँ, I understand. मैं नहीं समझता, I don't understand. Come on, I don't understand. आपको बोलना है. Do not को short में कहते हैं बच्चों don't, और does not को short में कहते हैं doesn't. इसलिए इसको टंग पर लेकर आओ. मैं नहीं जानता, I don't know. मैं नहीं जाता, I don't go. मैं नहीं समझता, I don't understand. मैं नहीं बोलता, I don't speak. मैं उसकी मदद नहीं करता, I don't help him. ऐसे बार बार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है. इस तरीके से आप जब बार बार सेंटेंसेस को बनाओगे ना, देन यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर सेल्फ. विकास मोरे आपने कमेंट जो है वो ध्यान दे, आपने कमेंट गलत लिखा है, उसको सही करें. विकास मोरे आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है सेंटेंस में. ओके, मैंने कहा मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी. मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी. मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश. मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर. मैं वहां नहीं जाता, आई डिड नॉट गो देयर. ऐसे ही जब आप इसे इंटरोगेटिव करते हैं तो इसमें डू और डज उठकर आगे आता है. क्या आप वहां जाते हो, डू यू गो देयर. क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश. और जब मैं बोलूंगा क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो,
आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप यहां आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप यहां आते हो? डू यू कम हियर? दैट इज द वे टू लर्न द थिंग्स. ये तरीका है मेरे दोस्तों चीजों को सीखने का. और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो सारी की सारी चीजें पता है दिमाग में फिट हो जाती है, छप जाती है दिमाग में आपके. ठीक है ना, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने लगते हैं, आप उनके यूजर्स को समझने लग जाते हो. हम लोग जो प्रोग्राम हमारे चला रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च करके रखे, उसमें क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट को? यही तो चीज पढ़ा रहे हैं उनको, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं. हम हिंदी में बोलते हैं, स्टूडेंट इंग्लिश में करता है, फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्टूडेंट उसे हिंदी में करता है. और जब उससे प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं, आर यू फ्रॉम इंदौर? यस सर, आई एम फ्रॉम इंदौर. For how long you have been living in Indore? Sir, I've been living in Indore for 2 years. Wow, that's great. What are you doing there? Sir, I'm studying there. So, students question ko samajhta hai, practical usko answer karta hai. Language, maine kaha na, it's very easy to speak. Yaar, English bolna bahut aasan hai. It's very easy to speak. Very easy to speak. Lekin kab? Jab aap sahi practice kar rahe ho, jab aapko sahi guidance mil raha ho, jab aap na 100% de rahe ho. Aur main aapse kya bol raha hu ki aap YouTube ki madad se itna seekh jaoge, itna seekh jaoge, itna seekh jaoge. होगे कि आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया, बहुत कुछ सीख गया. और थोड़ा सा अमाउंट अगर खर्च कर दो तो पर्सोना इंग्लिश की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, पर्सोना इंग्लिश गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है आपको, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो. उस पर कोर्सेस अपलोड है, एक कोर्स है 65 डेज वाला जो लाइव चल रहा है. डेली शाम में 7:30 को क्लास होती है, लेकिन सैटरडे और संडे नहीं होती, उसमें 5 दिन की क्लास होती है, और सैटरडे को कभी-कभी क्लास 4:30 को होती है. ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्लासेस उसमें मिलेंगी, डेली का प्रैक्टिस सेशन आपको उसमें मिलेगा. चलिए, तो जो काम आप करते हो, मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश. ये लो भाई, अब आप एक बात नोटिस कर रहे हो, तीनों में देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है. फर्स्ट फॉर्म, क्या पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी. ये देखो, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो. क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, डिड यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे, विल यू टीच इंग्लिश, Will you teach English? क्या रवि इंदौर में रहता है? Does रवि live in Indore? Does रवि live in Indore? क्या रवि इंदौर में रहता था? Did रवि live in Indore? क्या रवि इंदौर में रहेगा? Will रवि live in Indore? क्या वहां जाओगे? Will you go there? क्या आप यहां आओगे? Will you come here? क्या आप इंग्लिश सीखोगे? Will you learn English? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स. अभी इन क्वेश्चंस को आपको हमने क्या किया है, प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारा कंटेंट दिया. आपको पता नहीं है कि पर्सोना इंस्टीट्यूट एक ही चीज के लिए जाना जाता है, वो है प्रैक्टिस. हमारा मानना है कि स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा करेगा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आएगा उसमें इंप्रूवमेंट. अब आप देखो यहां पर, ये रहे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, इनको आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, इनको पढ़ना है. डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो, डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो. और ऐसे ही नहीं पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है. डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो. अब आपको लगाना है डिड, डिड यू कम हियर, क्या तुम यहां आए. फिर आपको लगाना है विल, विल यू कम हियर, क्या तुम यहां आओगे. फिर आपको लगाना है कैन, कैन यू कम हियर, क्या तुम यहां आ सकते हो. कुड यू कम हियर, क्या तुम यहां आ सकते थे. शुड यू कम हियर, क्या तुम्हें आना चाहिए. That is the way to practice. ये तरीका है practice करने का. और जब ये तरीके के थ्रू आप practice करते हो, then you find the things easy to learn. तो ये है आपका. अब फिर इनको answer करना होता है. Answer आज की class में नहीं सिखा रहा, आज तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं. Answer कल की class के लिए बचा के रखा है मैंने. तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ये questions पढ़ के आ जाओ. ये telegram group में अभी हम लोग send करवा देते हैं आपको. तो telegram group से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सारे students को practice के लिए मिल जाएगा. तो आपको करना क्या है, ये सिर्फ डू में लिखा है, आपको इसको डिड में चेंज करना है, आपको इसको विल में चेंज करना, और फिर हिंदी करनी. देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं, हम लोग कैसे स्टूडेंट को हमारी फिजिकल क्लास में ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में बता रहा हूं. Do you come here, क्या तुम यहां आते हो, Did you come here, क्या तुम यहां आए, Will you come here, क्या तुम यहां आओगे, Does he meet you, क्या वह तुमसे मिलता है, Did he meet you, क्या वह तुमसे मिला, Will he meet you, क्या वह तुमसे मिलेगा, Do they play cricket, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, Did they play cricket, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला, या क्या वे क्रिकेट खेलते थे, Will they play cricket, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, Does Ram teach English, क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है, Did Ram teach English, क्या राम ने इंग्लिश पढ़ाई, And will Ram teach English, क्या राम इंग्लिश पढ़ाएगा, Does he beat me, क्या वो मुझे पीटता है, Did he beat me, क्या उसने मुझे पीटा, Will he beat me, क्या वो मुझे पीटेगा, Do you jump into the river, क्या आप नदी में कूदते हो, Did you jump into the river, क्या आप नदी में कूदे, Will you jump into the river, क्या आप नदी में कूदोगे. That is the thing. ऐसे do you the next we have, does she cook food, क्या वो खाना बनाती है, Did she cook food, क्या उसने खाना बनाया, Will she cook food, क्या वो खाना बनाएगी. भाई जब ऐसे प्रैक्टिस होती है ना, इस तरीके से जब हम चीजों को
प्रैक्टिस करते हैं देन यू फाइंड कि यार सारी की सारी चीजें आसान है। इधर देखो इस हाथ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर हमने दिया है, राइट हैंड साइड पर यहां पर आपको पास्ट में दे दिया है। डिड ही रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ा? डिड राम बिकम डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर बना? डिड दीपू रूच हियर, क्या दीपू यहां पहुंचा? डिड यू रिकलेक्ट कैसेट्स, क्या आपने कैसेट्स को रिकलेक्ट किया? नेक्स्ट, डिड राम राइड बाइक, क्या राम ने बाइक चलाई? डिड आई जंप फ्रॉम द रूफ, क्या मैं छत से कूदा? डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने बुक पढ़ी? डिड शी मेक अ टी, क्या उसने चाय बनाई? डिड सर टीच इंग्लिश, क्या सर ने इंग्लिश पढ़ाई? मीन्स ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा कॉन्टेंट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। अब देखो ना, ऐसे ही आप जब आगे बढ़ोगे आपको विल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंपल फ्यूचर में। विल दे फाइंड बुक, क्या उन्हें बुक मिलेगी? अभी आपको इनको आंसर भी करना सीखना होगा। जिस देखो यहां पर क्या लिखा है, विल दे फाइंड बुक, तो इसको आंसर दो तरीके से किया जाता है, यस में और दूसरा किया जाता है नो में। मान लो आपने कहा हां उन्हें बुक मिलेगी, यस दे विल फाइंड बुक, और नहीं मिलेगी तो नो दे विल नॉट फाइंड बुक। ठीक है, यस दे विल फाइंड बुक, नो दे विल नॉट फाइंड बुक, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। जब ऐसे आप चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, जब ऐसे चीजों को आप समझते हैं, देन आपको लगता है कि यार वाह यार मजा आ गई। मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, मैंने आपको बताया नहीं डियर स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि संडे और सैटरडे आपको क्लास लूंगा। मैंने आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस तो बड़ी मुश्किल, ऑनलाइन क्लास तो ली नहीं है आज, जितने भी दो तीन बैच में पढ़ाता हूँ ऑनलाइन सब ऑफ रखे हैं। फिजिकल क्लास एक घंटे की बड़ी मुश्किल से लिया था मैंने, आपके लिए बचा कर रखी थी एनर्जी की, नहीं यार आज शाम में ऑनलाइन क्लास पढ़ानी है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया है तो फिर उसको पूरा तो करना पड़ेगा भाई। चलिए देखिए इधर, सो विल दे फाइंड बुक, यस दे विल फाइंड बुक, नो दे विल नॉट फाइंड बुक। विल दे प्ले क्रिकेट, यस दे विल प्ले क्रिकेट, नो सॉरी विल यू प्ले क्रिकेट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? अगर आप खेलेंगे तो आप कहेंगे यस आई विल प्ले क्रिकेट, और नहीं खेलेंगे तो नो 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 सर आई विल नॉट, नो नो सर आई विल नॉट। अच्छा, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है आपको? विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। ठीक है, विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग? वॉन्ट। राइट सर, शायद मेरा कमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है। सूर्या यादव, आपका कमेंट क्या है डियर? पहले आप अपना कमेंट बताएं, सिर्फ आप इतना ही लिख रहे हो सर शायद मेरा कमेंट अभी तक नहीं पहुंचा। आपके कमेंट तो आ गए, लेकिन आपका कमेंट क्या है ये लिख कर भेजो आप। सूर्या साहू, चलिए सो एवरीवन, मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना अपनी लर्निंग में नेक्स्ट लेवल पर अगर अपने आपको इंप्रूव करना है तो करनी पड़ेगी मेहनत आपको। ये सारा का सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, और कल अगेन 7:30 को मैं लाइव आऊंगा, कल अगेन मैं सारी के सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्लास वाइंड अप नहीं कर रहा हूं, अभी तो क्लास 10-15 मिनट की बची है। ये सारा का सारा कंटेंट आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ताकि कल मैं जब आऊं तो कल मैं डायरेक्ट आंसर्स के बारे में बताऊं, और कल मैं आपको स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड भी कंटेंट बताने वाला हूं कि आपको कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे आपको चीजों को समझना है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है कल का। चलो अभी मैं आपको लेकर आता हूं अगेन जहां से हमने सेशन को स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को 12 टेंस, कितने टेंस? 12 टेंस। ये 12 टेंस के कम से कम जो है 10 से 15 सेंटेंसेस सारे सब्जेक्ट में ही के साथ, आई के साथ, शी के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट ले लो, फिर कोई नाउन सब्जेक्ट ले लो, नाउन सब्जेक्ट में राम को ले लो, श्याम को ले लो, जो भी अदर आप लेना चाहते हो, आपके घर में आपको कोई भाई बहन है उनके बारे में बोलना चाहते हो तो उनको ले लो, मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्ट पर बेस्ड सेंटेंसेस की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग सेज दैट The more you practice, the more you learn. Sorry. If you practice more, you will learn more. If you practice more, you will learn more. If you practice less, you will learn less. So remember one thing, students. Your practice should be higher. Aapki practice पर ही सारा का सारा खेल है। मैं हम लोग यहां पर फिजिकल क्लास में यही तो करवाता है स्टूडेंट्स को, बार बार सेंटेंस को बुलवाना, ऑनलाइन क्लासेस में बार बार सेंटेंस को बुलवाना। वो जा रहा है तो स्टूडेंट बोलता है तुरंत ही इज गोइंग, वो जा सकता है ही कैन गो, उसे जाना चाहिए ही शुड गो, उसे वहां जाना चाहिए ही शुड गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है ही नीड टू गो देयर, उसे यहां आने की जरूरत है ही नीड टू कम हियर,
उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. ही नीड टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, सॉरी, आई वॉन्ट टू हेल्प यू. सो दिस इज द प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स, राइट. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है वो चीज भी बताकर मैं क्लास को वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूं. तो ये रहे आपके टेंसेस 12 जो कि आपको करना है प्रैक्टिस शानदार और जानदार तरीके से. एक कोई सा भी सेंटेंस लो, उस एक सेंटेंस को बार 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 पूरे सेंटेंसेस में बोलो, ठीक है ना. मैं अगर आपसे बोलूं अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो. और मैंने कहा चलो आप बताओ आपके पापा भी क्या कर रहे हैं, तो सर माई फादर ही इज वॉचिंग न्यूज. मामा क्या कर रही है, सर माई मदर शी इज वर्किंग इन किचन. तो अभी जो जो आपके घर में हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज किस में होती है, वो सारी एक्टिविटीज होती है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो ये टेंस को समझो. ये टेंस कहां यूज होता है, जो भी काम आप भविष्य में करोगे. जैसे मैंने कहा कि कल क्या करोगे, तो बोले सर कल है ना मैं पढ़ाई करूंगा, मैं घर पर रहूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं ना कल आपके वीडियोज भी देखूंगा कुछ. यस, वीडियो से मुझे याद आया कि आप लोग जो है जितने भी सेशंस अटेंड करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा करें. कल संडे हुआ तो कल संडे मान लीजिए आपने दो सेशन नहीं अटेंड कर पाया, तो पिछले वाले फर्स्ट और सेकंड के, तो वो दोनों सेशंस को कल संडे की क्लास में आप देख लें. उन दोनों सेशंस को देखकर आप अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करें. मतलब इन शॉर्ट, सूर्या साहू थैंक यू सो मच डियर फॉर योर लवेबल कमेंट्स एंड वैल्यूएबल कमेंट. रितेश कुमार थैंक यू सो मच डियर. ओके सूर्या साहू डोंट कमेंट अगेन, आई हैव रेड योर कमेंट डियर. मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है. ओके और जितने भी ऐसे लोग जो कि टीचिंग कर रहे हैं, जैसे अभी कमेंट आया कि सर मैं इंग्लिश टीच करता हूं, तो भाई उनके लिए हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है. वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी आर ट्रेनिंग टीचर्स. हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको कैसे अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंटली पढ़ाना है. बिकॉज आपको इंग्लिश आती है, दैट डज नॉट मीन यू कैन टीच समवन. अरे भाई किसी को इंग्लिश आ गई इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पढ़ा भी लेगा. जब तक आपके पास सही टेक्निक, सही स्ट्रेटजी, सही आइडिया, सही एग्जांपल, सही पैटर्न नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू टीच परफेक्टली. एंड देयरफॉर वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम्ड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड दिस इज अ कंप्लीटली ऑथेंटिक प्रोग्राम दैट विल ट्रूली हेल्प यू टू बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश ट्रेनर. तो आप में से जिन भी लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन परसोना इंग्लिश, जी हाँ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है परसोना इंग्लिश, इसको गूगल प्ले स्टोर से निकाले आप लोग. और अभी तो इसमें ऑफर भी था यार, बहुत सस्ते में हमने कोर्स दिया लोगों को. अभी तो उसकी प्राइस वैल्यू और बढ़ गई है, ठीक है. कुछ 2000 रुपए में कोर्स हमने लोगों को दिया, लोगों ने खरीदा भी था उस टाइम पर. अभी तो वो फिर अगेन 4000 का हो गया है. कुछ 3-4 दिन के लिए हमने ऑफर निकाला था, है ना. तो ऑफर जब निकले ना तो एकदम ऐसे बैठा करो कि हाँ ऑफर निकला है और उसका फायदा ले लिया करो, राइट. तो अब नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत ही अलग है. उस प्रोग्राम का पर्पस ही है कि उसमें हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को स्पेस देना चाहते हैं और ऑथेंटिक तरीके से, शानदार तरीके से उनको एक अच्छा इंग्लिश ट्रेनर और टीचर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड टीचर, यू मस्ट नोट दिस, ठीक है. टीचर और ट्रेनर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. चलिए, तो टीचर्स तो बहुत है, ट्रेनर बहुत कम है. और हमें आज इंडिया को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर की नीड है. वी नीड मोर एंड मोर ट्रेनर्स, क्योंकि ट्रेनर्स जो होते हैं दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझें. आपको सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सारे के सारे टेंसेस के विथ एग्जाम्पल्स आपको सारे के सारा कॉन्टेंट यूट्यूब पर भी अपलोडेड है. वहां से देखो, बार बार प्रैक्टिस करो. एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में बार बार अच्छे से बनाओ. सारी चीजों की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा. और अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. अनाउंसमेंट ये है कि आपके सुपर डुपर प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर हम लोग क्या करेंगे, अब हर संडे और सैटरडे करीब 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे. हमारी टीम आपके कमेंट को बैक टू बैक रीड करते रहती है. तो हम लोग सैटरडे और संडे आप में से करीब 5 स्टूडेंट्स को जो पूरे सेशन को बैक टू बैक पूरा का पूरा देख रहे हैं और उनके कमेंट भी आ रहे हैं और वो एक्टिव है, हमको पता चल जाता है कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है. तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट का पीडीएफ, जो हमारे नोट्स हैं, वो नोट्स उनको फ्री अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है. वो नोट्स उनको हम लोग फ्री अवेलेबल करवाएंगे. लेट मी टेल यू अगेन, ओके, ये नोट्स आपको फ्री अवेलेबल करवाए जाएंगे. और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका नाम पिक करेंगे, आपका नाम हम लोग यहां पर बोलेंगे और फिर आपको अपना नाम जो है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है
उस पर आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर उसी नाम से आपकी जो आईडी बनी है, जिस नाम को हमने किया है और उस पर वही लोगो है जो लोगो आपने लगाया था, तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल कॉन्टेक्ट यू और वो कॉन्टेंट आपको हम लोग सेंड कर देंगे। तो ऐसे 5 स्टूडेंट्स को हम लोग हर बार जो है इसमें लेंगे, तो वो सेशन कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कल हम लोग किन्हीं 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स देने वाले हैं, और ये इसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, दिस विल बी कंप्लीटली फ्री फॉर यू। तो आप सीखे, अपने आप को इंप्रूव करें अच्छे से अच्छा। कुल मिला के द टारगेट इज टू इंप्रूव अवरसेल्फ मोर, हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना। और सबसे अच्छी बात की एक बहुत ही शानदार कोर्स भी हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, और आप में से जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता मैं बता दूं कि वो कोर्स है वोकैबुलरी पर बेस्ड, वर्ड पावर पर बेस्ड। हमने अक्सर स्टूडेंट के कमेंट में देखा है कि कमेंट करते हैं स्टूडेंट सर वर्ड पावर कैसे बढ़ाए, सर वर्ड कैसे याद करें। सो एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें 100 सीट्स रहेंगी, 100 सीट्स रहेंगी, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो ये कोर्स लॉन्च कब होगा, कैसे होगा, इस पर बेस्ड सारा का सारा कंटेंट कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में 5 मिनट के लिए आपको सेशन को एंड तक देखना होगा, और मैं लास्ट में 5 मिनट उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा, और मंडे या ट्यूसडे में वो कोर्स हम लोग ऑफिशियली लॉन्च भी करने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वी आर गोइंग टू गिव चांस ओनली टू दी 100 सिलेक्टेड लकी स्टूडेंट्स, जो भी उसमें एनरोल करेंगे फटाफट फटाफट उन 100 स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा, क्योंकि उसमें कूपन ही हम लोग 100 कूपन ही रखेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट रहेगा उनको हाई फीस देनी होगी, तो पहले आओ पहले पाओ वाला सेशन रहेगा, फायदा उठाए ज्यादा से ज्यादा सीखें। चलिए स्टूडेंट मैं मिलता हूं आप लोगों को कल अगेन 7:30 को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जिन्होंने प्रीवियस 2 सेशंस नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उनको देख लो। आज की क्लास में टेंस पढ़ाया मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव की कल आप लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हो, कल की क्लास में क्वेश्चंस कैसे पूछना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर, प्रश्न कैसे पूछते हैं और आंसर कैसे देते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन कल की क्लास में होने वाला है। तो भाई कल का क्लास मिस नहीं करें आप लोग। अभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट फटाफट लाइक करके इसको अपने स्टेटस पे रख लो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। और कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, जी हां, द बिगेस्ट अनाउंसमेंट एवर आई हैव मेड। टुमारो सेशन इज जस्ट गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि कल का अनाउंसमेंट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ट्रूली। अगर शायद उसमें आपने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी करने वाला हूं। आप में से जितने भी लोग अभी सेशन को देख रहे हैं सभी के 2 से 3 हजार रुपए की सीधी बचत होगी उसमें, ठीक है ना। सो लेट्स सी, कल मैं अनाउंस करूंगा वो चीजें भी। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल अगेन 7:30 को, टिल देन मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को आगे जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें और स्टेटस पे जरूर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उस चीज से जुड़े। और आई विश कि आप लोग अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ठीक एंड फाइन होंगे। और याद रखें स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, द डे वुड कम यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो बिल्कुल मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कि आज हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर प्लस में हो चुके हैं और बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू बी 1 मिलियन। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, और कल का अनाउंसमेंट मिस मत करिएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे अगेन 7:30 को। Till then, tada bye, good night to all.